नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ये महत्वपूर्ण कोर्स जिसके अंदर आप पढ़ेंगे कंप्लीट हिंदी। सभी पंडित एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी लगा हुआ है उस परीक्षा की दृष्टि से ये जो क्लासेज आप देख रहे हैं ये रामबाण साबित होने वाली है। इसलिए इन कक्षाओं को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने हिंदी के प्रति समझ को बहुत गहरी बनाएं। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था उसके आगे की बातचीत हम प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। और आप जानते हैं दोस्तों, स्वरों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था एक एक करके, और स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये तो हमने जान लिया था, 11 स्वरों के बारे में अलग अलग हमने पता कर लिया था। आज हम व्यंजनों के बारे में पता कर रहे हैं। व्यंजनों के बारे में भी हमने बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली है। वो कौन सी जानकारी हासिल कर ली सर, देखिएगा एक बार। आपसे यदि पूछा गया दोस्तों कि बताइए व्यंजन जो है वो कौन कौन से व्यंजन स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन, तो इनकी संख्या होती है 25। और ये होते हैं दोस्तों कैसे, मैं तक, कहां से कैसे लेकर मैं तक, यानी क वर्ग 5, च वर्ग 5, ट वर्ग 5, त वर्ग 5 और प वर्ग 5, ऐसे करके कुल मिलाकर ये वर्ण जो होते हैं ये 25 होते हैं। ये व्यंजन तो है ही है और व्यंजन वर्णों का ही एक प्रकार है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि संघर्ष स्पर्शी कितने होते हैं, संघर्ष स्पर्शी कितने होते हैं, तो भी आप बताते हैं संघर्ष स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 5 होती है। और ये कौन से संघर्ष स्पर्शी होते हैं, पूरा का पूरा आपका च वर्ग क्या कहलाता है, संघर्ष स्पर्शी कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़कर के हमने जाना था कि हिंदी में जो लुंठित वर्ण है वो कौन से होते हैं। लुंठित वर्ण, लुंठित कह दो और प्रकंपित कह दो, प्रकंपित कह दो, एक ही बात है। लुंठित और प्रकंपित र व्यंजन को कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, मैंने कल आपको समझाया भी था कि प्रकंपित क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में संपूर्ण मुख विवर है जो आपका कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, इसलिए इस र को आप क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इससे आगे वाली बात पर यदि आए तो आपको बताया गया कि पार्श्विक वर्ण है या पार्श्विक व्यंजन है वो कौन सा होता है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन वो होता है आपका ल, और ल को पार्श्विक इसलिए कहते हैं क्योंकि ल के उच्चारण में जो जिह्वा है आपकी पर्दे का काम करती है और जिह्वा के दोनों तरफ, पीछे से दोनों तरफ प्राणवायु बाहर निकलती है, पार्श्व से हवा बाहर निकलती है, प्राणवायु बाहर निकलती है मुख विवर से, इसलिए इस वर्ण को क्या कहा जाता है, पार्श्विक कहा जाता है। उसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो आपको कहा जाता है कि बताइए काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य कह दो या ब्रह्माक्षर कह दो, एक ही बात है। काकल्य या ब्रह्माक्षर वर्ण किसे कहा जाता है, तो उसके लिए मैंने कहा था कि है को क्या कहा जाता है, काकल्य या ब्रह्माक्षर कहा जाता है। उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बताया था कि है का कनेक्शन, है का संबंध आपकी नाभि से है, जिसे आप हिंदी में सिक्स सेंस यानी छठी इंद्रिय भी कहते हैं, ठीक है। और काकल्य क्योंकि काकलिया से इसका उच्चारण होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई है, द्विगुण व्यंजन हुआ, द्विगुण व्यंजन के बारे में भी हम पता कर चुके हैं। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो व्यंजनों से संबंधित है उन पर और ले चलता हूं। पहला, एक तो दोस्तों आपको पूछा जाता है कि द्वित्व निम्न में से कौन सा है, ऐसा सवाल बहुत बार परीक्षा में आया। सवाल क्या, द्वित्व किसे कहा जाता है या द्वित्व क्या होता है, द्वित्व क्या होता है, तो इसका आंसर सुने दोस्तों, द्वित्व क्या होता है, देखिए, जब किसी वर्ण की आवृत्ति, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, या एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार हो, या एक ही वर्ण की
आवृत्ति लगातार हो तो उसे द्वित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वित्व कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। सुनिएगा कैसे, जैसे मैं उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं कि कैसे द्वितीय व्यंजन का जो है सवाल आपको बनेगा और आपसे पूछा जाएगा। जैसे एक सवाल आएगा, निम्न में से कौन सा द्वितीय नहीं है। क्या आएगा जी दोस्तों? सवाल आएगा निम्न में से कौन सा द्वितीय नहीं है, और विकल्प एम ए मान लीजिए आपके सामने आ गया, एक शब्द आया कुत्ता, एक शब्द आया आपके सामने ब आया सत्ता, एक शब्द आया आपके सामने जहाज, और एक शब्द आया आपके सामने दोस्तों जहाज आया बट्टा आ गया। मान लीजिए क्या आ गया है? बट्टा आ गया है, पट्टी आ गया है, जो भी है। तो यहां पर देखिए तय तय वर्ण है, इसका इसकी आवृत्ति हो रही है, तो ये तो है द्वित्व। यहां पर भी तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहां भी है। यहां देखिए जय वर्ण की आवृत्ति तो है, जय यहां भी और जय यहां भी, लेकिन यहां पर आपको एक चीज अलग दिखाई दे रही होगी, ये लगातार नहीं है, ये लगातार नहीं है। यहां पर देखिए ये लगातार है बट्टा। तो इस वर्ण को या इस प्रकार के विकल्प को आपको छांटना होता है ऐसे प्रश्न में। क्लियर है? निम्न में से द्वित्व कौन सा नहीं है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर होते हैं उनकी सार संग्रह की कोई अगर पुस्तक आपके पास में है तो उसमें पाएंगे आप कि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपको पूछा जाता है कि द्विरूप द्विरूप व्यंजन किसे कहा जाता है। द्विरूप का अर्थ होता है दोस्तों दो रूपों में प्रयुक्त होने वाले व्यंजन। कितने रूपों में प्रयुक्त होने वाले व्यंजन? दो रूपों में प्रयुक्त होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? आप बताइए। देखिए रह, रह का हम दो कम से कम दो रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। एक तो देखिए जैसे आपने शब्द लिखा कर्म और एक शब्द लिखा आपने क्रम, तो इनमें देखो एक तो रह इस प्रकार से काम में आया और एक रह इस प्रकार से काम में आया, इसलिए रह को क्या कहा जाता है? द्विरूप व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण अलग है, मित्रों ध्यान से सुनिएगा, द्विगुण व्यंजन अलग होते हैं, ड और ढ उत्क्षिप्त भी कहा जाता है, उनको ताड़न जात भी कहा जाता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और द्विरूप अलग है। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको लिए चलता हूं जो व्यंजनों का उच्चारण स्थान है उस पर, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो यहां पर आप जो बात नोट करनी है आपको ये करें कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण ठीक है, तो देखिएगा उच्चारण क्या, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो दोस्तों क जो वर्ग है आपका, क वर्ग, इसका उच्चारण स्थान है कंठे। क्या है दोस्तों? कंठे है इसका उच्चारण। क वर्ग का क में सभी पांचों आ गए हैं, क ख ग घ ग सभी आ गए हैं, सभी वर्ण आ गए हैं, पांच के पांच वर्ण आ गए हैं, और उन सभी का उच्चारण स्थान कहां से बताया गया है? कंठ से बताया गया है, इसलिए इनको कंठे कहा जाता है। फिर आपका दोस्तों आ गया च, और च वर्ग में गौर करें, च वर्ग में आपका जो उच्चारण स्थान है वो आता है तालु, इसलिए इसको कहा जाता है दोस्तों तालव्य। क्या कहा जाता है? तालव्य। क्लियर है? फिर आता है आपका ट, कौन सा वर्ग? ट वर्ग, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूरा का पूरा मूर्धा, इसलिए इनको कहा जाता है मूर्धन्य। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है। फिर आपका आता है दोस्तों त वर्ग, कौन सा वर्ग? त वर्ग, और त वर्ग का अर्थ होता है कि त का उच्चारण स्थान या त संपूर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होगा?
तो त वर्ग का उच्चारण स्थान होगा दोस्तों दंत, और दंत से बोले जाते हैं इसलिए इन वर्णों को कहा जाता है दंते। क्या कहा जाता है? दंते। और फिर अंत में आता है आपका प वर्ग, और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो होता है आपका ओष्ठ, और इसीलिए इनको कहा जाता है ओष्ठे। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओष्ठे। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आप सोच रहे थे कि सर हमें 25 उच्चारण स्थान याद करने पड़ेंगे या 33 उच्चारण स्थान याद करने पड़ेंगे। नहीं दोस्त, आपको केवल 5 ही उच्चारण स्थान याद करने हैं। कंठे है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंते है और ओष्ठे है। यदि अब सभी वर्णों को इनमें रखना चाहो आप, सभी वर्णों को मतलब स्वरों को भी यदि रखना चाहते हो, क्योंकि स्वरों का भी तो हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया था, स्वरों का भी किया था और इसका भी किया हुआ है। तो देखिएगा सर, क्या वर्ग का जो उच्चारण स्थान है इसमें आपके स्वरों में से यदि आप रखोगे तो ए को रख सकते हो, और किसको रख सकते हो? आ को रख सकते हो। ये कंठे ही होते हैं, ए और आ। और कौन होता है सर? और आपका एक तो है होता है, एक तो कौन होता है? होता है दोस्तों, और एक होता है आपका विसर्ग। कौन होता है? विसर्ग होता है। एक तो आपका है और एक होता है दोस्तों विसर्ग। ये भी कंठे ही होता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिएगा च वर्ग, जो च वर्ग है इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, और यदि आप स्वरों में रखना चाहते हैं तो ई और ए को किस में रखते हैं? तालव्य में रखते हैं। और यदि आप आगे वाले वर्णों में रखना चाहते हैं तो यह तालव्य है और एक आपका यश तालव्य है। कौन सा? श, शंकर वाला, ये तालव्य है और ये भी क्या है दोस्तों? तालव्य होता है। और टैवर्ग यानी मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वरों में कोई मूर्धन्य है क्या? बिल्कुल है। स्वरों में मूर्धन्य आपने री को बताया था दोस्तों। किसको बताया था? री को बताया था। और संपूर्ण टैवर्ग जो है वो मूर्धन्य है, और यदि आप रखना चाहते हैं तो उसमें से किसको रख ले? से को रख ले, ये भी मूर्धन्य होता है। फिर दंते, दंते में कोई भी स्वर नहीं आता है, कोई स्वर दंते नहीं था ये आप जानते हैं, इसलिए यहां पर सीधा आप से पर चले जाएंगे। ये जो ऊष्म व्यंजन है उनमें से से दंते होता है। प ओष्ठे, प वर्ग जो है वो संपूर्ण ओष्ठे है, और प वर्ग में अगर आप स्वरों को रखना चाहते हैं तो किस किस को रख सकते हैं? ओष्ठे में ऊ को, और किस को रख सकते हैं? ऊ को रख सकते हैं दोस्तों। तो यहां तक की बात है, ये आपको कंप्लीट होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। अब जो आपका आगे का सवाल है वो किस प्रकार से बनेगा, ये देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर ये इस प्रकार से हमने वर्णों को रखा है। अभी आपके सामने सवाल बना, क्या सवाल बना सर? एक तो कौन रह गया सर? एक तो हमारा रह गया भैया, वह रह गया है। कौन रह गया है? वह रह गया, वह रह गया है, वह। और सुने, इस वह का और एक अक्षर आता है आपका फ, और वो सामान्य वाला फ नहीं जिसके नीचे हाइफन आता है, ये वाला फ। फ और वे, ये दोनों दोस्तों दंतोष्ठे हैं, दंतोष्ठे वर्ण कहलाते हैं, दंतोष्ठे हैं। दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है जब इनका उच्चारण करते हैं, वे का और फ का उच्चारण करते हैं, तो दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दंतोष्ठे कहा जाता है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, प्राण तत्व के आधार पर, किसके आधार पर? प्राण तत्व के आधार पर यदि आपको पूछा जाएगा कि प्राण तत्व के आधार पर, तत्व के आधार पर, आधार पर जो है वर्णों का वर्गीकरण आपसे पूछा जाए, वर्णों का वर्गीकरण पूछा जाए तो आप क्या बताते हैं? प्राण तत्व मतलब आपने अल्प प्राण और महाप्राण की बात की है। स्वरों में हमने रखा कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो बताइए कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण में रखे जाएंगे, ये भी तो सवाल बनता है ना। बनता है तो देखिए, अल्प प्राण, देखिए मित्रों, आपका अल्प प्राण में आपको कैसे याद रखना है? अल्प प्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राण वायु या प्राण वायु की मात्रा मुख विवर से कम बाहर निकले, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? अल्पप्राण। और ऐसे वर्ग में कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग का
वर्ग का कौन कौन सा दोस्तों? वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, और पंचम यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। एक वर्ग में पांच वर्ण होते हैं ये आप जानते हैं। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? पांच होते हैं। जैसे आप ले लें, मैं यहां पर उदाहरण और एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझे। जैसे दोस्तों क वर्ग ही है और क वर्ग में आप क रखते हैं, ख रखते हैं, ग रखते हैं, घ रखते हैं और क्या रखते हैं दोस्तों? ग रखते हैं। इन वर्णों को आप रखते हैं, कितने हुए? एक, दो, तीन, चार, पांच। और इसमें से कौन कौन सा अल्प प्राण है? अल्प प्राण है आपका, मैं यहां पर रेखांकित कर रहा हूं, अल्प प्राण पहला, अल्प प्राण तीसरा और अल्प प्राण पांचवा। तो ये तो है आपके अल्प प्राण। और वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है, यानी कौन कौन सा वर्ण? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है, ये दोनों होते हैं दोस्तों महाप्राण। क्या होते हैं? महाप्राण। और ये भी क्या है? महाप्राण। याद रखिएगा इस बात को। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा लिखवा रहा हूं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ये आप नोट कर ले। और इसके अलावा आप क्या नोट करेंगे वो भी देखिएगा। ये होते ही हैं और प्लस इसके अलावा कौन कौन से होते हैं वो भी सुनिएगा साहब। इसके अलावा य, र, ल, व, ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्लियर है? तो कि सभी वर्ग, ये वर्ग नहीं माना जाता क्योंकि इसमें चार ही वर्ण है, सभी वर्ग जिनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाता है और दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण कहलाता है। तो यहां पर नीचे आप क्या लिखें? यहां पर नीचे लिख लें दोस्तों, महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं लिखिएगा? वे वर्ण जिनके उच्चारण में आपके मुख विवर से प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। उन्हें महाप्राण कहा जाता है। अब सोचिए और समझिए दोस्तों, जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आएंगे, शामिल होंगे, उसको मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसमें वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण शामिल होगा, दूसरा और चौथा वर्ण होगा। और इसके अलावा कौन होगा दोस्तों? इसके अलावा आपके जो उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन मतलब आपका श, श, श और है, ये भी तो महाप्राण है। वर्ग का दूसरा, चौथा और सभी उष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, और आगे चल करके हम बात करते हैं। देखिएगा मित्रों, कंपन के आधार पर कह सकते हैं, कंपन के आधार पर या आवाज के आधार पर वर्णों का देखिएगा, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण अब समझ लें। कैसे वर्गीकरण करेंगे हम देखिएगा, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में
कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में आप बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, या आपका जो चेहरा है वो झंकृत हो उठता है, आपका चेहरा है वो अधिक वाइब्रेशन करता है, अधिक कंपन करता है, आपका गला अधिक कंपन करता है, उन वर्णों को तो कहते हैं घोष या सघोष। और जिनमें ऐसा नहीं होता, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में आपकी आवाज है वो कम बाहर निकले, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि आपका गला कम कंपन करे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अघोष। तो इसके आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला सघोष, और सघोष को ही कहते हैं घोष। तो सघोष को या घोष को एक ही बात। और दूसरा होता है आपका अघोष। क्या होता है दोस्त? अघोष। और यहां पर देखें सघोष कौन कौन से होते हैं वो समझा देता हूं मैं। तो यहां पर सीधा ही नोट्स टाइप में बनाएंगे दोस्तों। वर्ग का आप समझ तो चुके ही हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। हर वर्ग में पांच वर्ण होते हैं, उनमें से तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है या घोष होता है। और इसके अलावा आपका य, र, ल, व, और यहां पर याद रहे है को भी शामिल किया जाता है, जो उष्म व्यंजन है, और उष्म व्यंजन को उठा करके हमने है यानी किसमें रखा हुआ है, घोष या सघोष में रखा हुआ है। और इसका विपरीत देखें यहां पर, इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष होता है, और यहां पर अघोष इनके अलावा और कौन होता है? श, श और ये वाला से, ये सब के सब क्या होते हैं? अघोष होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी चीजें दोस्तों। कक्षा यदि आपको फास्ट लग रही है या स्लो लग रही है तो आप स्पीड को कम ज्यादा करके देख सकते हैं, लेकिन यदि कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसे बार बार रिपीट करके देखें। अन्यथा दोस्तों आपका कोई ऐसा सवाल जो आपको आते हुए गलत होगा उस पर बहुत पछतावा होता है, बहुत दुख होता है, इसलिए आता हुआ सवाल तो आपका कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे बढ़कर के हम बातचीत करते हैं। देखो जो पंचमा अक्षर होता है ना दोस्तों, कौन सा पंचमा अक्षर होता है? वर्ग का पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर कौन सा अक्षर? पंचमा अक्षर दोस्त, पंचमा अक्षर को क्या कहा जाता है? नासिक के कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नासिक के, या नासिक के कहते किसे हैं वो समझ लीजिएगा। लिखें नासिक के में आपको क्या लिखना है, इसकी परिभाषा लिखनी है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कि जब नासिक के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, या आप यहां पर ये लिख सकते हैं, जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से, आप नाक भी कह सकते हैं, नाक से बाहर निकले तो उन्हें नासिक के व्यंजन कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। ये तो बात हुई है नासिक के व्यंजनों की। और दोस्तों आप जानते हैं कि नासिक के व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं पहले वर्ग का तो ये होता है नासिक के व्यंजन। हाँ बिल्कुल सर, यही होता है, ये पहले वर्ग का नासिक के व्यंजन, फिर दूसरे वर्ग का ये नासिक के व्यंजन होता है, तीसरे वर्ग का ये नासिक के व्यंजन होता है, चौथे वर्ग का ये नासिक के व्यंजन होता है, और पांचवें वर्ग का, पांच ही वर्ग है और पांच वर्गों में ये नासिक के व्यंजन माने जाते हैं। और दोस्तों इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात जो आपको लिखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए, वो ये है। क्या सर? लिखें कि वर्तमान में नासिक के या फिर पंचमा अक्षर को अनुस्वार के रूप में
लिखा जाता है? किसके रूप में लिखा जाता है? अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो वर्णमाला वाला जो चैप्टर है ये बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें जो प्रैक्टिस करने लायक है उसके बारे में और मैं बात करूंगा। कुछ सवाल जो आपके यहाँ से मान लीजिए कोई एक आध बात छूट गई है तो वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आपके सामने रख दूंगा। आप इतना अध्ययन करके यदि मेरे साथ आगे वाली कक्षाओं में आएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाली कक्षाएं आपके लिए बहुत सरल भी हो जाएंगी और हिंदी के प्रति आपकी समझ भी गहरी बन जाएगी। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं दोस्तों, आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए। कक्षाएं कैसी लगती हैं ये आप हमें जरूर बता दें। अच्छी लग रही है तो अप्रिशिएट करें कक्षाएं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो कक्षाओं में आप डिमांड कर दें दोस्तों, मैं आपको सभी आपकी सभी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि मैं आपको संतुष्ट कर पाऊंगा। तो देखिए ये हमारा जो कोर्स है ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से पढ़ करके YD सर से हिंदी पढ़ करके और आप अपने हर एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली कक्षा फिर एक नए जोश एक नए अंदाज में आपके साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।